या आप इंटरव्यू करें, मेरे मेकअप पर कहीं जा रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको ओवरलोड लग रहा है? मुझे तो आप जानते हैं मेकअप के बारे में, अच्छा सवाल करोगे तो अच्छा जवाब मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेकअप क्लास बस ठीक है, मुझे तो बस ठीक लगी, बाकी देखते हैं जो आए हैं इनके व्यूज़ लेते हैं कि क्या है, ये कौन क्या बताता है, हर बंदे की अपनी राय है। अच्छा मुझे बताइएगा, रोज़ बरोज़ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, मेकअप के भी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो कितनी मुश्किलात होती हैं ब्यूटीशियंस को? जी मुश्किलात तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा है, जब रेट बढ़ जाते हैं, क्लाइंट इतना पे नहीं करता है, फिर ज़ाहिर बात है मुश्किलात तो होती हैं ना, और क्या किया जा सकता है। अच्छा मुझे बताएं, आपने खुद भी बहुत ओवरलोड जो है वो मेकअप किया हुआ है, तो इससे महंगाई में कोई फ़र्क पड़ता है? भैया आप इंटरव्यू करें, मेरे मेकअप पर कहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन तो कोई अच्छा करें ना। जब आप ज़्यादा मेकअप करती हैं तो ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, जब आप कम मेकअप करती हैं तो कम पैसे लगते हैं, तो आपने इतना ज़्यादा ओवरलोड मेकअप जो किया है तो इससे आपका बजट ख़राब नहीं होता? ये आपको ओवरलोड लग रहा है? मुझे तो आप जानते हैं मेकअप के बारे में, आप मुझे बताएं ना, आप अपनी लिमिट में रह के कोई अच्छा सवाल करें। मेरा आप बुरा मान गई, मेरा वो मतलब नहीं था। भी बुरा मानने वाली, अच्छा सवाल करोगे तो अच्छा जवाब मिलेगा। अच्छा मुझे बताएं, जब ज़्यादा मेकअप करते हैं तो आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, और कम मेकअप में कम पैसे लगते हैं, क्लाइंट से आप ऐसा डील करती हैं कुछ? पहली बात तो मैंने आपको ये कहा कि आप अपना क्वेश्चन बदलें, आप मेरे मेकअप ऊपर बात ना करें, रही बात क्लाइंट की तो वो बात मैंने आपसे की है, उसके ऊपर बात करें आप, आपको मेरा मेकअप ज़्यादा लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा मैम, पूरी जितने भी इस क्लास में लोग आए हैं सबको मुझे मेरा ख्याल से लग रहा होगा, लेकिन बाहर चलें, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।